अच्छा आप लोग देखना चाहते हो क्या मुझे बिग बॉस में? पहले ये बताओ। हाँ देखना चाहते हो? मुझे जानना ही है क्योंकि लोग जैसे बहुत बोलते रहते हैं कि पता नहीं मतलब इनको देखना है उनको देखना है संभावना को देखना है, तो संभावना को देखने के लिए क्या रीजन होना चाहिए आपके आपके हिसाब से, क्यों जाना चाहिए मुझे बिग बॉस में? मैं तो सोच रहा हूँ आप जाओ उधर दर्शक को हंसाओ और क्या, बस इतना ही। जीत के नहीं आओ? जीत के आओ ना, ट्रॉफी लेके आओ फिर हमसे मिलो। पक्का पक्का, अभी तो अभी कुछ ऐसा वो नहीं है बट जल्दी इस बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लान चल रहे हैं लग रहा है। ओके बात करेंगे, अभी मैंने कहा ना पता नहीं कुछ मालूम नहीं है। ओके बात करेंगे इस बारे में। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय। आप लोग कुछ लेंगे? नहीं 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 कुछ नहीं मैम। कॉफी तो ले लो? नहीं नहीं नहीं, नाश्ता करके आए, नाश्ता करके आए। कॉफी पी लो? नहीं नहीं मैम, मेरे लिए एक नहीं नहीं कैपेचिनो नहीं मैम, जो ना नहीं नहीं मैम, हम लोग नाश्ता करके निकले घर। ऐसे मत करो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नाश्ता करके आ जाओ, एक कॉफी आप लेके जाओ। नहीं हम लोग नाश्ता करके बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय 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 बाय, जल्दी मिलते हैं। हाँ ओके मैम, ओके ओके। हेलो मैम। हेलो मैम, आज इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो आप, है ना? आज के लुक के बारे में क्या बताना चाहिए? बहुत झुमके पहना रही है, मैं क्या करूं? नाइस झुमके अच्छे लग रहे हैं। इंडियन पहना करूं आपके? हाँ, साथ इंडियन ही पहना करूं, है ना? हमेशा जीन्स टी-शर्ट, जीन्स टी-शर्ट, आई थिंक इंडियन में लड़कियां सबसे अच्छी लगती है। देखो सर का ही चॉइस लग रहा है, मैंने जबरदस्ती पहनाया है। ये जबरदस्ती इसने बोला था, मैं नॉर्मल कपड़ों में आ रही थी लेकिन अविनाश ने बोला कि ईद का दिन है तो सलवार कमीज में जाओ तो तुम अच्छी लगोगी। लग रही हूँ मैं ईद के लिए एकदम तैयार, बहुत सही लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू थैंक यू, चलो आपको अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो ना, बस ठीक है। यही यही होता है, ये असली है, ये असली प्यार है जिन्होंने बोला है कि ईद पे अच्छी लग रही हो। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, अभी इससे ज्यादा क्या तारीफ है? इससे ज्यादा क्या तारीफ? ये रियल है, ग्राउंडेड। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। कहीं और चले गए थे क्या? हां वो दूसरे वाले फोटो में सेम यही था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी बन रही है आपकी काम पे? काम मेरा काम ही है, जाके की ईद पे। अभी बस आपका पहला फोटो मारा हम लोगों का फोटो लिया ना, अभी बहुत सारे फोटो होंगे, आज काम काम ही काम करते रहोगे आप लोग। सेंटर आपके सामने है, ठीक है आप लोग बिग बॉस में जा रहे हो क्या? ये टाइम में आ रहे हैं आप लोग बिग बॉस में जा रहे हो? इस पे अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगी मैं, टाइम आने दो सब पता लगेगा। आपका कुछ नया सॉन्ग वगैरह आ रहा है? हमारा भी नया सॉन्ग आ गया, बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ 5 मिलियन व्यूज होने वाले हैं उसके बहुत जल्दी, और बहुत प्यार दिया लोगों ने, जिन्होंने नहीं दिया वो जाके देख लें दोबारा, वो आपके जरिए देख लें। गाना बहुत ही प्यारा तेरे बिना है और बहुत अच्छा, अभी 4 दिन हुए हैं रिलीज हुए हुए, और मेरे ख्याल से ईद के लिए बहुत अच्छा प्यारा लव सॉन्ग है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट, बहुत बहुत बढ़िया गाना है। हम लोगों ने बड़ा मेहनत करके गाना बनाया है और आई होप लोग प्यार दें हमारे गाने को, एंड दैट्स इट। बहुत खुशी है हमें इस गाने की, और नेक्स्ट सब गाना जल्दी आने वाला है हमारा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ डांस नंबर, तो सबको एक वो चीज़ मिलेगी जैसे जो अविनाश और मैं जिस चीज़ के लिए फेमस है, गुड डांसर्स। मतलब मैं इतनी अच्छी डांसर नहीं हूँ, अविनाश ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी डांस नंबर देखने के लिए मिलेगा जल्दी। और जाते थे फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे यहाँ मुंबई में तो इतना कमाल का मौसम हुआ है तो ईद के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज के दिन पे। आज हम लोग अभी अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, ईद के इनवाइट्स हैं, तो अभी आप जैसे देख रहे हो मुझे, आज मैं पूरी इंडियन सभ्य नारी बन के आई हुई हूँ, वो इसलिए क्योंकि ईद के लिए जा रहे हैं हम लोग हमारे फ्रेंड्स के घर पे, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि
इतने अच्छे मौके पे आप लोगों से मुलाकात हो रही है, इतने अच्छे मौके पे हमारा गाना रिलीज हुआ है, और इतने अच्छे मौके पे आपने ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू।